बचत के साथ की गई चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है, और कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिसको अगर हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं तो खुद को बहुत खुशी भी मिलती है और साथ में पैसा का भी बचत होती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एयरफोन को लेकर एक दिक्कत हमेशा आती है कि ये उलझने लगती है, चाहे हम इसको घर में रखें या तो फिर कहीं कैरी करके लेके जाना हो बैग में भर के, तब भी ये इस तरह से उलझने लगती है और हमें ना बिल्कुल भी मन नहीं करती है कि इसको हम सुलझाएं। तो बस आपको करना क्या है, इस तरह से आप हाथों की मदद से रोल रोल करके इसको ऐसे बना लीजिए, हाथों में लपेट लीजिए। देखिए ये रोल बन चुका है आराम से। अभी सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से इसको टक कर दीजिए और बस जहां भी आपको कैरी करनी हो कैरी कर सकते हैं, या तो फिर घर में भी रखनी हो तो भी आप रख सकते हैं। इस तरह से एयरफोन जो है ना वो नहीं उलझती है, ठीक है। तो आई होप टिप अच्छी लगी है। मेरी अगली टिप है लहसुन को लेके। लहसुन को छीलना हम सभी लेडीज़ के लिए बहुत ही मुश्किल भरा टास्क होती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इकट्ठा बहुत सारा लहसुन को फ्री टाइम में छील के इसको फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि इसको हम ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके रखें तो ये तुरंत ख़राब होने लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि इसको सही तरीके से हम कैसे स्टोर करके रखें ताकि ये जल्दी सड़े ना। तो लहसुन को छीलने के बाद हम कंटेनर में कुछ इस तरह से इसको फ्रिज में रख देते हैं, तो ये ना इस तरह से रखने से ये बहुत जल्दी ख़राब होने लगेगी। तो आपको करना क्या है, जिस भी कंटेनर में आप लहसुन रखना चाहते हैं सबसे पहले आप मैदा छिड़क दीजिए, उसके बाद एक टिश्यू पेपर रख दीजिए, ठीक है। टिश्यू पेपर रखें और फिर उसके बाद छीली हुई जो लहसुन है उसको आप रख दीजिए और इसको आप स्टोर करके फ्रिज में रखें। ऐसा करने से आप देखेंगे लंबे टाइम तक लहसुन ख़राब नहीं होगा। आजमा के देख लीजिए, ये बहुत ही असरदार टिप है। मैं इसको आजमाती हूँ, ट्राई करते रहती हूँ। और मेरी अगली टिप भी बहुत ही यूज़फुल है। जब भी हम घर में केक बनाते हैं तो केक टिन या केक मोल्ड जो भी आप बोले उसमें बटर पेपर हमें रखनी होती है ताकि केक तले से ना जले। तो अगर मान लीजिए आपको केक बनाना है और घर में बटर पेपर नहीं है तो हम बटर पेपर कैसे बनाएं, तो आप इस तरह का पेपर ले लीजिए, ठीक है, वाइट कलर का पेपर इस तरह का ले लीजिएगा और उसके बाद इस पेपर को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, बस आपका बटर पेपर बनके तैयार हो जाएगा। और याद रखिएगा ऑयल एकदम से ज़्यादा यूज़ ना करें, ब्रश से ऑयल को आप थोड़ा थोड़ा लीजिए और इस तरह से पेपर में इसको लगा लीजिए। थोड़ा सा ही ऑयल में बटर पेपर आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो है ना कितना कमाल का टिप्स। इस तरह से आप अगर घर में बटर पेपर नहीं है तो बटर पेपर बना के आप चाहे केक बनाएं, बिस्किट बनाएं, जो भी चीज़ को आप बेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये एक जुगाड़ू टिप है। आई होप कि आप सभी को ये टिप अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है। तो ट्राई ज़रूर करना और फिर मुझे कॉमेंट करके बताना। ठंडियों के मौसम में ग्रीन वेजिटेबल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती है और हमें ग्रीन वेजिटेबल खाना भी चाहिए, लेकिन एक दिक्कत आती है, खास करके जो वेजिस लीफ होता है ना वो उसको स्टोर करके रखने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये ना थोड़ी ही दिन में, मतलब एक ही दिन में ये मुरझा जाएगी अगर सही से इसको स्टोर करके ना रख पाएँ तो। और इसको फ्रिज में स्टोर करके रखने की भी एक दिक्कत आती है, तो इसके लिए चलिए एक टिप बताती हूँ। आपको करना क्या है, इस तरह का कोल्ड ड्रिंक वाला या कोई भी बोतल आप ले लीजिए और बस इसको बीच बराबर इस तरह से कट कर लेना है। इसको पूरा नहीं कट करना है, पूरा अगर कट करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो बोतल को दो पार्ट में डिवाइड हमें नहीं करना है। तो बस देखिए कुछ इस तरह से आपको बना लेना है। फिर उसके बाद जितने भी ग्रीन वेजिटेबल हो, चाहे वो भाजी हो या तो फिर धनिया पत्ता, जो भी आप रखना चाहते हैं, तो आप बोतल में ना इस तरह से उसको भर के आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख पाएंगे। ये मेथी भाजी है, भाजी को अच्छे से साफ करके फिर इसका जो जड़ है उसको मैंने काट लिया है और बोतल में इसको मैं स्टोर करके रख रही हूँ ना, तो ये ज़्यादा दिन के लिए फ्रेश रहेगा। और जब हमें बनाना होगा ना तो मैं क्या करूँगी, इसको निकालूँगी और धो के बस कट करके इसको मैं बना लूँगी, तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम का भी बचत हो रहा है। और बड़े ही मज़ेदार टिप्स इसलिए है क्योंकि देखिए फ्रिज का किसी भी कॉर्नर में इसको हम रख पाएंगे, चाहे हम डोर साइड में क्यों ना रखें, तो फ्रिज का जो डोर साइड है जहाँ पर हम पानी का बोतल रखते हैं वहाँ भी रख सकते हैं, तो इसलिए ये फ्रिज का भी स्पेस सेविंग होगा। आई होप टिप यूजफुल लगी है और आप इस तरह से ग्रीन वेजिटेबल को स्टोर करके रखेंगे। सो गाइस, इस तरह का ब्लेड वाली चाकू बहुत ही शार्प होती है। इस चाकू से हम कुछ भी चीज़ को बहुत ही आसानी से कट कर पाएंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चों लोग का जब कुछ क्राफ्ट करनी होती है या तो फिर स्कूल का कोई प्रोजेक्ट वगैरह के लिए जब हमें कुछ चीज़ को कट करना पड़ता है तो इस तरह का चाकू का ज़रूरत पड़ती है। सबके पास ये चाकू होती नहीं है तो हम क्या करें, तो इसके लिए एक जुगाड़ो टिप, आपको चाहिए एक कंघी और एक ब्लेड चाहिए। तो इसके लिए आप पुराना वाला कंघी ले लीजिएगा, या तो फिर आपके पास पुराना वाला कंघी नहीं है और इसको परमानेंट तरीके से बना के रखना चाहते हैं तो एक कंघी आप अलग से खरीद लीजिएगा स्पेशली इसके लिए। और बस आपको कंघी में ग्लू को लगा के इस तरह से ब्लेड को चिपका दीजिए, अच्छे से इसको फिक्स कर दीजिए। तो बस बनके तैयार हो चुका है ब्लेड वाली चाकू। अब इससे आप कुछ चीज़ अगर बना रहे हैं तो बड़ी ही आसानी से उस चीज़ को कट कर पाएंगे। चलिए दिखाती हूँ कट करके। तो हमने यहाँ पे पेपर ले लिया है और पेपर को हम कट करके दिखाएंगे, बहुत ही ईजिली कट जाएगा। सबसे पहले पेपर को हमने मोड़ लिए हैं ताकि इसका एक लाइन बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, बस एक लाइन इस तरह से हम खींचेंगे और पेपर कट हो जाएगा। देखिए बस एक लाइन आपको इस तरह से खींच लेना है। देखिए पेपर कट हो चुका है। और सिर्फ पेपर ही नहीं, कुछ भी चीज़ को आप अगर कट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से इस ब्लेड वाली चाकू जो हमने बनाए हैं इससे आप कट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये जुगाड़ू आइडिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी अगली टिप भी बहुत ही यूज़फुल है। मिक्सर ग्राइंडर तो हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला ये छोटा सा चटनी जार है। तो इसको यूज़ करते करते इसका जो ब्लेड है इसका शार्पनेस कम हो जाती है। तो हम सोचते हैं इसको हम कैसे तेज़ करें, तो मार्केट में जाके तेज़ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस लेना है मोटा दाना का जो नमक है ना, स्पेशली मैं इसको मंगा के रखती हूँ क्लीनिंग के लिए। और हमें चाहिए मेडिसिन का खाली पैकेट यानी कि रैपर, ठीक है ना। तो इसको ना इस तरह से सीजर की मदद से छोटा छोटा टुकड़ों में कट कर लीजिए, इससे कि सीजर जो है ना वो भी तेज़ हो जाएगा और मिक्सर ग्राइंडर का जो चटनी जार को मैं तेज़ करने वाली हूँ ये भी तेज़ हो जाएगा। अब थोड़ा सा पानी इसमें डाल दीजिए और पानी डाल के इसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से घुमा लीजिए यानी कि चला लीजिए। तो देखिए इसको मैंने चला लिया है अच्छे से और बस इसको बस क्लीन करना है। ऐसा करने से आप देखेंगे आपका मिक्सर ग्राइंडर का ब्लेड जो है ना वो शार्प हो जाएगा और अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। अब अगला टिप में मैं आपको एक ऑर्गेनाइज़र बना के दिखाऊँगी जो बहुत ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है जब इसको हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए, देखिए एक कॉफ़ी का बोतल है, कॉफ़ी खाली हो चुका था तो इसको मैंने धो के साफ़ करके इस तरह से रखा है। तो बड़ा वाला जो कॉफ़ी का बोतल है आप वो भी ले सकते हैं। अभी हमें करना क्या है, कॉफ़ी बोतल का जो ढक्कन है इसमें एक छोटा सा कट लगा लिए हैं, बस छोटा सा एक कट लगेगा, ज़्यादा नहीं। अभी जो वुडन का स्पून हमने लिए है ना, इसको इसके अंदर डालेंगे। वुडन के स्पून की जगह जो भी आपके पास मतलब छोटा साइज के स्पून है ना वो भी आप ले सकते हैं। तो बस ये देखिए, ये बन गया है ऑर्गेनाइज़र। और इस तरह से जो नमक वाली कंटेनर होती है या तो फिर इसमें आप शक्कर भी रख सकते हैं, तो जब हमें नमक शक्कर चाहिए होता है तो अलग से स्पून का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत ही आसानी से इस तरह से आप नमक या शक्कर जो भी आप इस कंटेनर में रखेंगे और जब आपको यूज़ के लिए चाहिए होगा बहुत ही आसानी से इस तरह से आप निकाल पाएंगे। इसके लिए अलग से आपको स्पून का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और जो ये कट लगा है ना, देखिए ये कट ना आपको छोटा सा ही लगाना है ताकि ये चम्मच अच्छे से फिक्स हो जाए। तो इसीलिए छोटा सा कट लगाइएगा चम्मच के हिसाब से। आई होप कि ये आइडिया, ये टिप आपको अच्छी लगी है और आप घर पे ज़रूर बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पसंद भी आई है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।